नमस्कार दोस्तों, मैं भाई सार सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न हरियाणा में आगामी ग्रुप डी यानी HSSC ग्रुप डी का एग्जाम जो होने जा रहा है उसके लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको HSC की जो परीक्षा होने जा रही है ग्रुप डी की उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इस जो वीडियो है इसके अंदर हमने शामिल किया है करंट अफेयर तथा हरियाणा जीके, तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। केंद्र ने जो केंद्र सरकार है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूँ के लिए कितने रुपए की वृद्धि कर दी है, यानी केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूँ का उसके अंदर कितने रुपए की वृद्धि की गई है, तो इसका आंसर दोस्तों 105 रुपये। कितना? 105 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। ये जो स्कीम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो किसान है हरियाणा के उनकी जो आय है प्रत्येक उसको वृद्धि करने के लिए कदम उठाया गया है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने किसानों की प्रति एकड़ आय कितनी करने का लक्ष्य किया है। हरियाणा सरकार ने जो किसानों की प्रति एकड़ आय है वो कितनी करने का लक्ष्य किया है, तो इसका आंसर दोस्तों 1 लाख रुपये प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ के हिसाब से किसान को 1 लाख रुपये इनकम होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हरियाणा सरकार ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिससे कि हरियाणा के किसान को 1 एकड़ से 1 लाख रुपये आय प्राप्त हो। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाल ही में कौन सा जो राज्य सभा के लिए सदस्य हरियाणा से चुना गया है, यानी हरियाणा से हाल ही में कौन सा राज्यसभा सदस्य चुना गया है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हरियाणा से एक राज्यसभा के लिए एक सदस्य चुना गया था, तो उसका नाम क्या है? DP वस्त। जो DP वस्त है वो हरियाणा से अभी हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, ये जो राज्यसभा सांसद है ये डायरेक्टली चुनाव नहीं होता, यानी जो आम जनता है वो इसके लिए वोट ही नहीं करती। राज्यसभा के लिए जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेते हैं, यानी बात की जाए आम नागरिक है वो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें भाग नहीं लेता। तो राज्यसभा सदस्य जो हाल ही में चुना गया हरियाणा से वो है DP वस्त। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा में कुल कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की जो हरियाणा में, तो कुल संख्या इनकी 5 है। कुल कितनी है? 5 है। और इन पे बात मैं बताऊं दोस्तों आपको कि जो अभी हाल ही में हरियाणा से कौन कौन जो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति हरियाणा से राज्यसभा के लिए सांसद है। तो जो पहला है अभी मैंने बात की हाल ही में जो चुना हुआ जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक तो होगा DP वस्त, दूसरी कुमारी सैलजा, तीसरा है चौधरी वीरेंद्र सिंह, और जो चौथा है हमारा सुभाष चंद्र जो बिजनेसमैन है और TV में भी काफ़ी प्रोग्राम आते हैं वो भी राज्यसभा से सांसद हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है जो सुभाष चंद्र सांसद राज्यसभा के वो किस क्षेत्र से हैं, वो है दोस्तों एक उद्योगपति हैं, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र से हैं वो। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हमारा आज का कौन सा है कि हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, बात हो रही है हरियाणा की, हरियाणा में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 10 हैं। थोड़ा लोकसभा के बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको, जो लोकसभा है उसका जो चुनाव होता है उसमें आम आदमी है यानी आम जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी अब बात करें हम लोग लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन हम राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार से हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होता है और उस लोकसभा के लिए प्रत्येक नागरिक अपना वोट डालता है। थोड़ा बात करें दोस्तों लोकसभा के बारे में, और जो हमारी लोकसभा वो संसद का एक अंग है, और संसद की बात की जाए जो लोकसभा के अंदर है
सॉरी संसद के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर कुल सीटें कितनी है, अगर प्रश्न आता है ध्यान से देखना, तो कुल सीटें कितनी है संसद के अंदर, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की कुल सीटें दोस्तों 552 कितनी है 552, और बात की जाए ये 552 कुल सीटें हैं यानी 2026 तक ये ग्रांटेड हो सकती हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या, दोस्तों इस प्रश्न में केवल ये अंतर था, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कुल सीटें, अभी बोल रहा हूँ सीटों की संख्या, तो लोकसभा में सीटों की संख्या है 545 यानी 545। अब एक प्रश्न और बनता है कि संसद के अंदर लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटें कितनी है, या भारत में लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी है संसद की, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 543। कितनी 543, ये लोकसभा के अंदर निर्वाचित सीटें हैं यानी निर्वाचित होती कौन सी हैं जिन पे आम नागरिक वोट डालते हैं, यानी हम जिन सीटों पे वोट डालते हैं निर्वाचित सीटें वो होती हैं वो लोकसभा के अंदर है 543, और कुल सीटें हैं 552 और सीटों की संख्या है 545, तो दो सीटें हैं वो मनोनीत होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और वो समुदाय कौन सा होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो दोस्तों हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें हैं 90। इससे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास कुल 90 सीटें थी और अभी एक बढ़ चुकी है चरखी दादरी जो नया जिला मिला है, तो अब हमारे पास कुल विधानसभा सीटें हो चुकी हैं 91। ये दोस्तों पहले की बात है, पहले थी हमारे पास 90 और अब एक प्लस हो चुकी है हमारे पास कौन सी चरखी दादरी की, तो अब बन चुकी है हमारे पास टोटल कितनी 91। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये बात की जाए हरियाणा में जो विधानसभा है वो कहाँ पर है, हरियाणा की जो विधानसभा है वो दोस्तों चंडीगढ़ में है, और जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है वो नई दिल्ली में है पार्लियामेंट हाउस में संसद भवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा में लाट की मस्जिद कहाँ पे है, हरियाणा में लाट की मस्जिद कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हरियाणा में लाट की मस्जिद है वो जिला हिसार के अंदर है, और मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ, हिसार के अंदर जस्ट जो बस स्टॉप है उसके बिल्कुल सामने है तुगलक महल, फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है उसी के अंदर ये लाट की मस्जिद है, अगर आप लोग कभी हिसार जाते हो तो इसको जरूर देख के आना, और अच्छे से एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्तों ये लाट की मस्जिद वाला, पीछे भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, आई थिंक अब की बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से देखना लाट की मस्जिद है वो हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं अभी हाल ही में एक देश में गए थे जहाँ पर एग्रीटेक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर एग्रीटेक सम्मेलन हुआ था तो किस देश में गए थे, तो दोस्तों देश था इजराइल, अभी हाल ही में इजराइल ने दर्जा किए थे, और दोस्तों एक कहता हूँ हमारे जो जितने भी कृषि के प्लान हैं जो फॉरेन कंट्रीज जुड़ी हुई हैं कृषि की उनमें लगभग 90% है वो इजराइल की सहायता से सारी प्लानें चल रही हैं, तो इजराइल जो देश है वो कृषि क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा जो एग्री थर्ड एग्री लीडरशिप है 2018 वो कहाँ हुआ, जो एग्री लीडरशिप दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा ट्रैक्टर इनाम में बांटे जा रहे हैं और कुछ खेती के जो उपकरण है वो भी बांटे जा रहे हैं, तो दोस्तों वही एग्री लीडरशिप था 2018 का, और ये रोहतक में हुआ था, कहाँ हुआ था रोहतक में, जो ओम प्रकाश धनखड़ हमारे कृषि मंत्री उन्होंने बहुत सारे इसके अंदर इनाम बांटे गए थे, उनके हाथों से इनाम की राशि या जो ट्रैक्टर वगैरह निकले थे वो बांटे जा रहे थे, तो तीसरा एग्री लीडरशिप 2018 था रोहतक केंद्र हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर पक्का प्रश्न बनने वाला है कि 12 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं उनके साथ यदि कोई दुष्कर्म करता है तो उसकी उसको फांसी की सजा देने वाला या फांसी की सजा का कानून बनाने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा है, तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने ये अपना खुद कानून बना दिया अलग अपने राज्य में कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 वर्ष से कम बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है तो उसको सीधी मौत या फांसी की सजा दी जाएगी, तो पहला राज्य बन चुका दोस्तों भारत के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है, दूसरा राज्य है दोस्तों राजस्थान, राजस्थान ने भी मध्य प्रदेश के बाद कानून बना दिया है,
कि जो दुष्कर्म करेगा 12 वर्ष से कम की बच्ची के लिए तो उसको भी फांसी दी जाएगी। और दोस्तों ये प्रसंग हरियाणा के लिए, एचएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ग्रुप डी के लिए, कि दुष्कर्म जो 12 वर्ष से कम बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है उसमें फांसी की सजा देने वाला भारत में तीसरा राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में तीसरा राज्य बन चुका कौन सा, हरियाणा, यानी अपना हरियाणा जो प्रदेश है वो भारत में तीसरा राज्य बन चुका है जिसने अपना कानून बना दिया है कि जो दुष्कर्म करेगा 12 वर्ष से नीचे की लड़की के साथ है उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला, दोस्तों एक बार जो ध्यान से देखना, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है। मैं आपको एक बार थोड़ा क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता हूँ। जो क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, जो आपके पास एटीएम कार्ड होता है उसे डेबिट कार्ड होता है, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। यानी आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही निकाल सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। यानी आपके खाते में 20,000 रुपये हैं और आपके लिमिट 50,000 है तो आप 30,000 रुपये और निकाल सकते हो क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो दोस्तों देश के अंदर जो पहला बैंक बन चुका है, ग्रामीण बैंक बना है, वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बना है। इसने सबसे पहले देश के अंदर क्रेडिट कार्ड जारी करने की सेवा है वो शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी। तो तीसरा 2 करोड़ी, दोस्तों ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 करोड़ का अभी हाल ही में एक भारत के श्री दंगल का आयोजन किया गया था। ये कहाँ किया गया था, ये कुश्ती का जो देश के भारत के भारत देश के जो बड़े बड़े पहलवान थे वो इसके अंदर आए थे। ये हाल ही में कहाँ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था भिवानी स्टेडियम, यानी कि जो भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर, उसी के अंदर किया गया था। भिवानी का जो स्टेडियम है, खेल स्टेडियम है भीम स्टेडियम, उसी के अंदर आयोजित किया गया था। तीसरा भारत के श्री दंगल था दोस्तों, इसमें इनाम की राशि थी वो 2 करोड़ थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो तीसरा भारत के श्री दंगल आयोजित किया गया भिवानी गेम स्टेडियम के अंदर, उसमें इनाम की राशि कितनी थी, तो दोस्तों इनाम की राशि थी 2 करोड़ रुपए। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन सॉरी जितने भी एग्जाम पीछे हुए हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, इसको इसीलिए मैंने शामिल किया है, आप ध्यान से पढ़ना इसको भी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है असम के अंदर। कहाँ पर, ये असम के अंदर, असम के अंदर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन है वो, उसने हरियाणा के अंदर अपनी एक राजधानी बनाई थी। राजा हर्षवर्धन ने हरियाणा में कौन सी जगह पर अपनी राजधानी बनाई थी, तो दोस्तों ये है इसका आंसर थानेसर। और जो थानेसर में इसने राजधानी बनाई थी राजा हर्षवर्धन ने, वो 1700 ईस्वी में बनाई थी। कब बनाई थी, सॉरी 700 ईस्वी पूर्व में ये बनाई थी, 700 ईस्वी पूर्व में बनाई थी राजा हर्षवर्धन ने। हरियाणा के अंदर एक जगह थी कौन सी, थानेसर, इसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था। दोस्तों हरियाणा का पहला जो नाम था पुराना पुराने यानी पहले जो काल था उसमें हरियाणा को हरना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, हरना के नाम से। तो हरियाणा का ये हरना नाम किसने रखा था, तो दोस्तों ये रखा था महाराज कृष्ण ने। किसने रखा था दोस्तों, महाराज कृष्ण ने। लक्षण देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएससी के आज तक कितने एग्जाम लगभग 90% पेपरों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जो साक्षी मलिक है वो हरियाणा के किस जिले से है, ये दोस्तों एक रेसलर है, कुश्ती करती है, पहलवान है साक्षी मलिक है, ये भारत सॉरी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, तो दोस्तों ये रखती है रोहतक जिले से, रोहतक से इसका संबंध है साक्षी मलिक का, और ये रेसलर है पहलवान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में कार्गो एयरपोर्ट कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कार्गो एयरपोर्ट है वो सामान ले जाने के लिए या बड़े जो लगेज होता है सामान होता है उसको एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्गो एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हरियाणा में कौन सी जगह पर है कार्गो एयरपोर्ट। तो दोस्तों कार्गो एयरपोर्ट है वो हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रोहतक जिले के में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ध्यान से देखना, हरियाणा के किस गांव का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रख दिया गया है। दोस्तों ये एचएससी ग्रुप डी में
बहुत ही बहुत संभावित क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखना। एक गांव था मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद का नया नाम है वो सरस्वती नगर रख दिया गया दोस्तों। हरियाणा के किस गांव का नाम मुस्तफाबाद गांव का नाम सरस्वती नगर रख दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखना। मुस्तफाबाद का नाम बदल के क्या कह दिया गया है, सरस्वती नगर। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दंगल फिल्म आई थी अभी, ये जो कुछ दिन पहले आमिर खान की थी, वो टोटली फिल्म थी महावीर सिंह फोगाट की लाइफ हिस्ट्री पर थी, उसकी लाइफ का जो पीछे का पार्ट था उसी पे पूरी फिल्म बनाई गई थी। तो ये प्रश्न भी बहुत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एचएससी ग्रुप डी के लिए, कि महावीर सिंह फोगाट को केंद्र सरकार है, जो हमारी भारत सरकार है, उसने कौन सा पुरस्कार दिया है। यानी महावीर सिंह फोगाट है वो एक रेसलर है, पहलवान है, जिन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी कोचिंग दे के, अच्छी शिक्षा दे के और नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का पहलवान बनाया है। तो दोस्तों महावीर सिंह फोगाट को भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा है, इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है द्रोणाचार्य। और दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो कोच, जो जितने भी कोच होते हैं, कोचिंग देते हैं, कोई भी खेल सिखाते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा का जो इतिहास है किसने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ये दोस्तों किसने लिखी है, ये है पंडित श्री राम शर्मा ने, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का जो इतिहास है वो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के किस जिले में है। तो दोस्तों ये है यमुनानगर में, कहाँ पर है ये, यमुनानगर में है, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, आप जब कभी भी यमुनानगर जाते हो तो इसको जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, साइंस का है, मोस्टली बच्चे इस चीज़ को गलत करते समझ नहीं पाते, मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। जो हरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वो इसका जो आंसर है स्वयं पोषी है। स्वयं पोषी क्या होते हैं, स्वयं इस खुद पोषी में अपना भोजन तैयार करना, यानी खुद जो अपना भोजन तैयार करता है या बनाता है उसको बोलते हैं स्वयं पोषी। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना खुद भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसीलिए इन्हें क्या कहता है, स्वयं पोषी कहता है। जो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यजवेंद्र गार्डन कहाँ पर है, यजवेंद्र गार्डन कहाँ पर है। तो दोस्तों यह है पिंजौर, कहाँ पर है, पिंजौर में। तो अंत में दोस्तों एक बार फिर आपसे मैं ये कहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये लगा कि हाँ वास्तव में अच्छे पर्सन है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का निशान उसको जरूर दबाएं, क्योंकि जो अगली वीडियो है वो आपको उसी के माध्यम से मिलने वाली है। और दोस्तों जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता या जिसके पास वो साधन नहीं है, तो वो अपना इस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है और अपनी जो एग्जाम है उसको क्लियर कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।